अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई कस्टमर कोई यूजर हमारा वाईफाई को यूज कर रहा है, अगर हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसको हम ब्लॉक कैसे करेंगे ताकि वो हमारा वाईफाई को यूज नहीं कर सके। अगर वो हमारे वाईफाई का पासवर्ड अगर वो जान रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका मैक एड्रेस ढूंढना है। तो मैक एड्रेस ढूंढने के लिए उस कस्टमर का उसका मोबाइल कहाँ हो सकता है या डेस्कटॉप का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर इन्फॉर्मेशन जानना पड़ेगा। यूजर इन्फॉर्मेशन आपको मालूम चल गया, यहाँ पे अभी हमारे पास एक डिवाइस है जो कनेक्टेड है, इसका मैक एड्रेस इतना है। मैक एड्रेस आप इसको क्या कीजिए, एक बार कॉपी कीजिए। ये जैसे ही आपका ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है किसमें, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी के बाद मैक फिल्टर में जाना है। मैक फिल्टर में आए उसके बाद जो हमने मैक एड्रेस कॉपी किया है तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हमने कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर दिया। हम जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये अभी आप देख लीजिए ये मैक एड्रेस क्या हो गया, ये अभी हमारे पास मैक एड्रेस हो गया। अब इसको पर हम अप्लाई कर देंगे तो वो कस्टमर उस वाईफाई को यूज ही नहीं कर सकता हमारा जब तक हम यहाँ उसको मैक को रिलीज नहीं करें, उसको रिमूव नहीं करें। तो हमने अभी क्या कर दिया, उस कस्टमर को हमने ब्लॉक करने के लिए अप्लाई कर दिया। वो अब कस्टमर क्या करेगा, अब हमारे वाईफाई उसके हमारा वाईफाई उसके मोबाइल में डेस्कटॉप में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस तरह हमने क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। अगर आपको अनब्लॉक करना है तो इसको रिमूव कर दीजिए और इस तरह आप वो डाटा जैसे वो यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल है, अगर मल्टीपल भी है तो सबका क्या कीजिए, आपको आपका सबका मैक एड्रेस लेते जाइए। मैक एड्रेस के बाद आप उसको क्या कीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और इस तरह आप जितने भी आपके यूजर जो आपके वाईफाई से कनेक्टेड है वो सबको ये ब्लॉक कर देगा। ओके, थैंक यू।